हाउ टू फाइंड योर पैशन और हाउ टू फाइंड योर पर्पस, ये आज की डेट में इंटरनेट पे सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले क्वेश्चन है। हर इंसान यही जानना चाहता है कि उनकी लाइफ का पर्पस क्या है, वो किस चीज के लिए बने हैं और वो क्या ऐसा करेंगे कि जिस दिन से वो बस करने लगेंगे उस दिन से सब कुछ एकदम से ठीक हो जाएगा, है ना। ऐसा ही सोचते हो ना कि कुछ होगा, कुछ तो ऐसा होगा, एक दिन तो ऐसा आएगा, कुछ बढ़िया इंसिडेंट होगा या कुछ ऐसा सर्कमस्टेंस होगा कि जिसके बाद उनको तुरंत से अपना पैशन पता चल जाएगा और लाइफ बदल जाएगी और तुरंत से वो उसे फॉलो करने लगेंगे। मुझे पता है कई लोग ऐसा सोचते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैशन या जो पर्पस है उसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो चीज आपको करना पसंद है, जो चीज करने के बाद आपको लगे कि जैसे जैसे एक्सपैंडेड फील हो, आपकी एनर्जी में अलग बूस्ट हो, टाइम का पता नहीं चले। अगर आपको सपोज कोई मीटिंग में भी जाना है, जो कि सही बात नहीं है उस मीटिंग को कैंसिल करना, पर आप उसको मीटिंग को भी कैंसिल करने के लिए रेडी हो क्योंकि आप वो चीज कर रहे हो और आपको इतना मजा आ रहा है, तो ऐसी चीज जो आपको एकदम एक्सपैंडेड फील कराए, आपकी एनर्जी में बूस्ट लाए, वो आपका पैशन है। पर हम में से कई लोग सोचते हैं कि इस चीज को बहुत ही ग्रैंड होना जरूरी है, कुछ एकदम धमाकेदार आइडिया होना चाहिए, उसके बाद ही वो हमारा पैशन होगा, वरना वो हमारा पैशन नहीं होगा। और यहाँ हम अपनी सबसे बड़ी गलती करते हैं। आपका पैशन वो चीज होती है जिसमें आप कम एफर्ट डालें और मैक्सिमम रिजल्ट मिले, मतलब वो आपके लिए आसान होनी चाहिए, ठीक है। आपको बहुत एफर्ट नहीं लगना चाहिए, एफर्टलेसली आपसे होनी चाहिए। एफर्ट लगता है बट उसको फिर बाद में उसका एक्सप्रेशन ढूंढने में एफर्ट लगता है, बट वो चीज आपको नेचुरली आती है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे कई कम्युनिटीज हैं इंडिया के अंदर जो बिजनेस बहुत अच्छा करती है, उनको उनको फैमिलीज में आता ही है बिजनेस कैसे करना है, तो वो लोग वो करते हैं और वो बहुत अच्छा करते हैं, तो वो उनके लिए नेचुरल है, इसलिए वो उस बिजनेस को इतना जल्दी ग्रो कर पाते हैं। और हर फैमिली मेंबर वही करता है क्योंकि सबका नेचुरल ट्रेट वही है, बिजनेस करना, ठीक है। तो ऐसी चीज हमें ढूंढनी है जो कि नेचुरल हो आपके लिए, ऐसी चीज जिसके लिए लोग आपको जानते हैं या फिर लोग आपसे एडवाइस लेते हैं। जैसे वो बहुत सिंपल हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल अंजलि को बहुत शॉपिंग करना पसंद है, तो वो बहुत सारी एप्स पे देखती है कि कहाँ पे क्या क्या मिलता है, तो उसे बहुत अच्छी आइडिया होती है। तो सारे फ्रेंड्स उसी से पूछते हैं कि ये कहाँ से लेना है या मेकअप कहाँ से लेना है, वॉच कहाँ से लेनी है, और वो सबको बताती है। इसी तरीके से हो सकता है कि राहुल को बुक्स बहुत पसंद है, वो काफ़ी तरीके की बुक्स पढ़ता है, तो वो लोगों को बुक्स रेकमेंड करता है। या फिर सपोज हो सकता है आपको ऑर्गेनाइजेशन करना बहुत पसंद है, आपको अपना कमरा, अपनी बुक्स, अपनी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करना पसंद है, ठीक है, और आप वो करते हैं। और आपके पेरेंट्स भी ये बोलते हैं कि राहुल तो इतनी अच्छी तरीके से अपना सब कुछ चीज़ें रखता है, इतना साफ रखता है, उसको हर चीज़ पता होती कहाँ क्या पे है, तो वो आपका कैरेक्टरिस्टिक है, बेसिक इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक। ऐसे हमारी लाइफ में बहुत सारे होते हैं, आप चूज करिए आपको सबसे ज्यादा किस में मजा आता है। दूसरी चीज, आप अपनी जिंदगी की स्टोरी ऐसे कोशिश करिए कि अगर आपको अपनी लाइफ के बारे में स्टोरी लिखनी है और एक बढ़िया मूवी बनानी है, तो आप उसको कैसे बनाएंगे। और इसमें आप जितना भी एग्जैजरेट इमेजिनेशन यूज कर सकते हैं ना, उतना कीजिए। और फिर देखिए अभी की लाइफ में, जो अभी ऑलरेडी आपकी लाइफ चल रही है, इतनी एग्जैजरेटेड नहीं, और उस लाइफ में क्या चीज कॉमन है, क्या चीज ऐसी है कि आप चाहते हैं कि जब मैं सक्सेसफुल भी हो जाऊं ना, सब चीजें पालूं, तब भी वो मेरे साथ रहे। हाँ, ऐसी कौन सी क्वालिटी है आपकी जो आप कॉमन देखते हैं, या फिर कभी आपकी लाइफ में बहुत अच्छा हुआ, कुछ बहुत बुरा हुआ, फिर भी वो क्वालिटी आपके साथ हमेशा रही है। सो फॉर एग्जाम्पल, मेरे साथ मैंने काफी चीजें पढ़ी है ना, मैंने कॉमर्स पढ़ी, फिर उसके बाद अभी मैं लॉ पढ़ रही हूँ आर्ट्स के साथ। तो इन सभी के दौरान मैंने देखा कि एक चीज कभी, मतलब दोनों चीजों से रिलेटेड नहीं है, बट वो कभी मेरी लाइफ से छूटी नहीं, और वो है टॉकिंग अबाउट लाइफ, जिंदगी के बारे में बातें करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, दोस्तों की कोई दिक्कत हो गई है उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना, रिलेशनशिप एडवाइस देना, सिचुएशंस को एनालाइज करना और उनमें चीजें ढूंढना कि उनका क्या सोल्यूशन हो सकता है। ये मेरी हमेशा से इंट्रिंसिक क्वालिटी रही है और ये मैं कभी भी मेरे से छूटी नहीं, मतलब कॉमर्स से आर्ट्स आई, लॉ आई, ठीक है, वो सब चीजें हुई, बट ये चीज कंटिन्यू साइड बाय साइड रही। ऐसी आपकी कोई ना कोई क्वालिटी होगी। हो सकता है कि आप DIY बहुत करते हैं, बहुत अच्छा जुगाड़ करते हैं हर चीजों में, तो ये भी एक क्वालिटी है जो आपकी इंट्रिंसिक है, दैट यू हैव एन आई फॉर मेकिंग थिंग्स, कि आप देखते हैं कोई चीज कहीं पे बनी हुई एंड देन आप उसको तुरंत से बना सकते हैं अपने साथ। तो
तो ये भी एक क्वालिटी है। तो फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन का लेते हैं कि आपको ऑर्गेनाइजेशन करना बहुत पसंद है, आप सब चीजें साफ रखना चाहते हो और ये आपका इंट्रिंसिक क्वालिटी, आपको मजा भी बहुत आता है इसमें। मतलब अगर लोगों को भी ऑर्गेनाइज करना है अपनी कोई चीज़ या डीक्लटर करना है, सपोज उनके पास बहुत सारा सामान है और अब उन्हें सब कुछ रिड्यूस करना है, कंप्रेस करना है और कम से कम चीज़ें लेनी है, तो आप उसमें एक्सपर्ट हो, ठीक है। आप फालतू की चीज़ें अपने पास नहीं रखते, आप जल्दी डिस्पोज ऑफ करते हो। तो दिस इज अ क्वालिटी विच इज इंट्रिंसिक टू यू एंड नाउ दिस कैरेक्टर वॉन्ट्स एक्सप्रेशन। For that expression, we will be needing a skill. Organization एक आपकी characteristic हुई। अब इस characteristic को expression देने के लिए हम कोई skill ढूंढेंगे। For example, आपको organize करना बहुत पसंद है पर आपने engineering करी है ना, और engineering करी है आपने तो आपको technology के बारे में idea है, आप apps बना सकते हैं, आप coding कर सकते हैं, तो आप इस कैरेक्टरिस्टिक को जो आपको करने में बहुत मजा आता है उसको आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इस स्किल के द्वारा, कि आप एक ऐप बना सकते हैं जिससे लोग अपना काम ऑर्गेनाइज करें। फॉर एग्जांपल एक ऐप है ट्रेलो, उसमें लोग अपना काम ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आप ऐसी एक ऐप बना सकते हैं, ऑलराइट। या फिर हो सकता है आपको आर्ट बहुत पसंद है, तो आर्ट आपकी एक स्किल है और आपका कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनाइजेशन, तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स डिजाइन कर सकते हैं जो कि लोगों को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करे। सो योर बेसिक क्वालिटी विल फाइंड एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स। तो क्या क्या प्रोडक्ट्स बना सकते हैं आप? ऑर्गेनाइजर्स बना सकते हैं, प्लानर्स बना सकते हैं, आप फिजिकल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं प्रॉपर जो कि लोगों को हेल्प करें ऑर्गेनाइज करने में। इसी तरीके से अगर आप सपोज करिए, अगर आपको पढ़ाना बहुत पसंद है, आप एक जेन्युइनली बहुत अच्छे टीचर हैं जिन्हें एक्सप्लेन करना चीजें बहुत पसंद है, और आपको कैरेक्टरिस्टिक्स आपका क्या है ऑर्गेनाइजेशन, तो इस ऑर्गेनाइजेशन की स्किल को जब आप एक्सप्रेस करेंगे टीचिंग के थ्रू, तो आप उसको ऑनलाइन एक्सपर्टीज दे सकते हैं या फिर प्रोफेशनल एक कंपनी चालू कर सकते हैं जहाँ पे आप लोगों को हेल्प करते हैं डीक्लटर करने में उनकी लाइफ, ऑलराइट। फिजिकल डीक्लटरिंग जो भी आपका एक्सपर्टीज है वो आप दे सकते हैं। तो एक क्वालिटी के इतने सारे एक्सप्रेशन में इतने सारे बिजनेस मॉडल्स निकले, आप ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना जो पैशन है, बेसिक चीज जो आपको बेसिक आपको सबसे अच्छी लगती है, आप उससे स्टार्ट करते हैं, यू मेक अ बिजनेस आउट ऑफ इट। सो द फर्स्ट एक्टिविटी फॉर दिस यू वॉन्ट टू डू इज क्रिएट अ स्क्रिप्ट ऑफ अ मूवी इन योर माइंड, कि आप अपनी लाइफ को कैसे दिखाना चाहेंगे आज से 10 साल बाद, ऑलराइट। फिर देखिए दोनों में आज की लाइफ में मेरे क्या कॉमन है, उस लाइफ में मेरी क्या कॉमन है, दोनों में मैं क्या देख रहा हूँ, कि किसके ऊपर फाउंडेशन क्या बनी हुई है उस चीज की, किस चीजों के आगे रिवॉल्व कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरी अभी भी लाइफ में मैं बातें बहुत कर रही हूँ, मैं आगे भी यही देखना चाहती हूँ कि मैं लोगों से जिंदगी के बारे में बहुत बातें करूँ। दोनों में यही चीज कॉमन है आज से 10 साल अभी भी, ठीक है। हो सकता है आपकी लाइफ में भी यही हो कि आप एक बहुत बढ़िया घर चाहते हैं जहाँ पे सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, सारी ऐसी मशीन्स हैं जो लाइफ को ऑर्गेनाइज बनाती हैं, डिशवॉशर भी है और एफिशिएंट जिम एरिया भी है, सब कुछ एफिशिएंट है बहुत, ऑलराइट। तो वो आपका एक कैरेक्टरिस्टिक हुआ जो आपको इंट्रिंसिक है, ऑलराइट। तो ऐसे अपनी एक मूवी बनाइए। स्टेप टू, उसके बाद आप देखिए कि आपके पास ऑलरेडी क्या स्किल्स हैं या फिर आप क्या स्किल्स हैं जो ऐसी सीख सकते हैं, फिर उन स्किल्स का एक्सप्रेशन ढूंढिए, मतलब उस कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्रेशन दीजिए इन स्किल्स से, और बिजनेस मॉडल्स अलग अलग जो निकलेंगे उनमें से सेलेक्ट कीजिए कि आपको क्या पसंद है। अगर वो बिजनेस नहीं और ऐसी जॉब्स हैं, अगर आप देखें कि हो सकता है कोई डीक्लटरिंग एजेंसी काफी सारी है वहां पे कोई ऐसी जॉब हो, अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आप जॉब कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। बट आपको ढूंढना है इन्हीं चीजों में से जो आपकी बेसिक इंट्रिंसिक क्वालिटी है। तो बहुत सारे वीडियोस हैं इंटरनेट पे और सबके अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, बट आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्मूलाज। फाइंड द मोस्ट बेसिक थिंग, सबसे बेसिक कुकिंग, क्लीनिंग, ऑलराइट। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपना पैशन ढूंढ सकते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ढूंढ लेंगे, और अभी नहीं तो कभी ना कभी तो ढूंढ ही लेंगे, जल्द ही ढूंढ लेंगे, आप परेशान मत होइए। और या अगर आपके पास कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो मेरा नीचे इंस्टाग्राम हैंडल होगा, आप उस पर मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप कॉमेंट डाउन करके बता सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, या अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा, आपको कुछ प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया, जो भी है आप बता सकते हैं। एक ही फॉर्मूला याद रखिए, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक एंड एक्सप्रेशन ऑफ दैट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक थ्रू अ स्किल विल गिव यू लॉट ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस, एंड फ्रॉम दैट वन ऑप्शन विल बिकम योर पर्पस
your passion for right now. Alright, so thank you so much. Please comment down below. Let me know if there are any questions. And like, share, subscribe, press the notification bell so that you get updates every time I post a new video.